हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा दसवीं के विद्यार्थी के लिए विषय विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन प्रश्न उत्तर पूरे प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट 2 चालू हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं सभी के लिए क्वेश्चन। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको अनकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेपर दिया गया 20 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो यहाँ पूरे टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आधुनिक, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ दिया आधुनिक, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया आधुनिक अवतर, आधुनिक अवतर सारणी में समूह के ऊपर से नीचे जाने पर एव अर्वत, देखिए अर्वत में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो यहाँ बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, देखिए संयोग, देखिए संयोजकता, ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे अंक 1 दिया, यहाँ पे आपका आता है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला आपका पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे आता है आपका सेकंड वाला, तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ देख सकते हैं 100, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पूछा है 100 को, देखिए 100 को कर और उपयोग के लिए अवतल सम्मिलित और उत्तल, देखिए उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त हैं और क्यों। 100, देखिए 100 यहाँ पे दिया गया है, 100 पैनल के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पे आपको दो दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्क्स का ये टोटल होने वाला है, तो इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट का आवाले का आंसर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है जो कि इसका आंसर यहाँ पे ही अवतल दर्पण इसलिए उपयोग, देखिए उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में कैन बिंदु होता जिसमें प्रकाश एकत्रित होता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवाला, क्वेश्चन सेकेंड का आवाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है बावाला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड का बावाला पूछा गया है, तो बावाला हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा, देखिए सौर पैनल का प्रयोग एक बड़े फोटो, देखिए फोटोवोल्टेइक प्रणाली में एक घटक के और देखिए आवासीय अनुप्रयोग के लिए बिजली प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका आंसर पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद हम बता देते हैं आप सभी के लिए थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मेंडलीव के अवतरण सारणी की कोई चार उपलब्धियाँ लिखिए, तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके कोई 4 दिए हैं, एक मार्क्स में पॉइंट रहेंगे, तो हम बता देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड वाला भी दिया गया है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, सॉरी ये फोर्थ वाला है, यहाँ पे अनुसार, देखिए यहाँ पे दिया गया है अनुवासिकी के जनक कौन है, मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल और एक चित्र बनाइए, तो यहाँ पे भी इसका आंसर हम बता देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है आपको क्वेश्चन वाला थर्ड वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ दिया है मेंडलीव ने अपनी अवतरण सारणी की कुछ रिक्त स्थानों में छोड़ा है, ठीक है तो यहाँ छोड़ दिया, तो ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो 4 पॉइंट ये पूरे नोट डाउन कर लेना है आप सभी के लिए, यहाँ पर आपको पूरा नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिए गए हैं पॉइंट। इसके बाद आपको फोर्थ वाला पॉइंट दिया गया, देख सकते हैं 1882 में 6 जनवरी, देखिए यहाँ दिया गया एक जर्मन भाषी अग्रस्ट्राई अमेरी, देखिए अमेस्ट्रेनियन पदार्थी एव वैज्ञानिक थे, तो ये आपको पूरा लिख देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन फोर्थ वाले का, यहाँ पे दिया गया है बावाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फोर्थ का बावाला है, ये फोर्थ वाला आंसर रहेगा, तो इसका बावाला यहाँ पे डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे आपको चित्र बना देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके नाम वगैरह भी फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाला यहाँ पे पूछा गया है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उसी के नीचे आपको आंसर भी दिख रहा है, तो आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है आंसर यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया है जीव, और देखिए जीव और सहीवाल के संग्रहण में ज़्यादा दूध प्राप्त होगा, तो ये आपको दिया गया है, इसके बारे में पूरा लिख देना है आप सभी के लिए, पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको मिल रही होगी, तो ज्वाइन करके किसी प्रकार का डाउट हमसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।